देर हो गई थी यार आने में, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि हमारी छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो हम लोग देर तक सो रहे होते हैं यार। तो अभी हम आ चुके हैं अपने नीचे वाले परिंदों के पास। यार इनका पानी खाली हुआ हुआ, इनका पानी भर दो, ये रही बोतल, इससे हम पानी भरते हैं। बाकी उनका देख लेते हैं, इनका तो है, इनका पानी इसमें लगा है, फिर से इतना नहीं भेज दी। बाकी यहाँ पे सब सही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यार कॉकटेल जो है ना, वो कहते हैं अंदर हांडी से बाहर ही नहीं आते, जब कोई दो बाहर होते हैं तो एक अंदर होता है, ऐसे करके अंदर ही रहते हैं। देखिए एक आदमी अंदर है, अब फिर कोई चला जाएगा शायद। और फिंचेस तो खासकर इधर से उधर उड़ती रहती हैं यार, तो जल्दी से हमारे ऊपर वाले परिंदों के चलते हैं। देखिए प्यासा हो रहा था बेचारा, पानी पी रहा है फौरन। यार गर्मी है तो हमें इनका खास ध्यान रखना है, और हम लोग ने एक स्प्रे गन से इनको स्प्रे करने का सोचा है। हमने जिनसे अपना नया मुर्गा लिया था, उन्होंने हमें बताया था ऐसा करने से आपके परिंदे सेहतमंद रहेंगे। और शेरू भूल जाता हूँ यार, तो हमें उससे रोज छिड़काव करना है। कबूतरों को दाने डाल देते हैं जल्दी से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कबूतरों के बच्चे भी तेज तेज बढ़ रहे हैं। ये स्प्रे गन, इससे हमें स्प्रे करना है। नहीं करो, अभी नहीं करो। इनका हमने पानी डाल दिया था और दाना सारे भुट्टे बचाए ना, इनका भी जल्दी से दाना डाल देते हैं। निकाल ये ले लो। तुम डाली को बना देना, ऊपर जा रहा हूँ। सही है, भुट्टे भी खा लिया। हाँ भुट्टे इनको पसंद ही नहीं है। तो गाइस जल्दी से ऊपर चलते हैं और मिलते हैं आपसे छत पे। पहुँच गए छत पे गाइस हम लोग, देखते हैं हमारे परिंदों की कंडीशन सब ठीक है ना यार। अच्छी उसे तो ठीक है, और हमारे गोल्डन सुपराइट भी ठीक है, उनको दाना पानी करता है अभी। और ये लोग भी ठीक है, और हमारे शेरू, और इसका नाम हमें आप बताइएगा, हमें मुर्गी का हमें क्या रखना चाहिए। जल्दी से इन लोगों को दाना पानी भी कर देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यार अभी मैं छत पे आ चुका हूँ और आज थोड़ी देर हो गई थी मुझे, मैंने आपको बताया। जल्दी से मुँह बाजे, फिर हम लोग इन सबको दाना पानी डाल देते हैं। तो मिलते हैं जब मुँह बाजेगा। मुँह बाज चुका है, स्प्रे गन लेके आए हैं, जल्दी से हम अपने परिंदों को दाना डाल देते हैं। अपने ऊपर नहीं करना, परिंदों के ऊपर करना है। वैसे गाइस अगर ये खत्म भी हो गया मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो टंकी है वहाँ से हम पानी और भर सकते हैं। और यार आज धूप बहुत तेज निकली हुई है, तो हमें खास ध्यान रखना है अपने परिंदों का। अभी नहीं करो छिड़काओ, दाना पानी डाल दो, फिर ठंडे ठंडे होके खाएंगे ये लोग। जल्दी से इनका निकालो, पानी की कटोरी निकालो, मैं दाना डाल देता हूँ। गाइस इनको दाना डालने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस हमारा शेरू बहुत बेताब है यार खाना खाने के लिए। देखिए अभी कैसे बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। जल्दी से उसको दाना डालते हैं, फौरन बाहर आता है। खोल दो फौरन, दाना पीछे फेंक देना, खा ले चला जाएगा। देखा गाइस, ये देखिए हमने इसको दाना डाला है, ये खाने में लग गया। अभी इसके लिए भी थोड़ा डाल दो, वो निकाल लो कटोरी, ताकि इनके कटोरी यार गंदी हो गई, और जल्दी से इसको साफ करते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं। ये आराम से खाता रहेगा हमारा शेरू। और इसका नाम आपको कमेंट में बताना है, हमारी जो मुर्गी है इसका नाम हमें कोई मिल नहीं रहा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसे यहाँ से निकाल लिया यार हमारी मुर्गी का नाम तो हम लोग को मिल चुका है, और आपको मुर्गी का नाम बता दें कमेंट। हाँ तो गाइस हमें मुर्गी का नाम ना एक कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर ने, हमने तो रख दिया है शेरू, तो आप बताइएगा नाम कैसे है, और मुर्गी का नाम भी ज़रूर कमेंट। और गाइस यार जल्दी से यार हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दें, हमारे कंप्लीट होने वाले। हाँ गाइस जल्दी जल्दी कराएं, 100 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं अभी 81, तो जल्दी जल्दी से 19 सब्सक्राइबर रह गए। जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, और मुझे पता है यार आप में से बहुत कम लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार। जिन्होंने कर दिया उनको दिल से सलाम, जिन्होंने कर दिया उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने नहीं किया कर दो यार। चलो इनको भी दाना डाल दिए, पानी निकालो। अब इसको डालना है, लेकर आ जाना, ऊपर ही डाल देना। गाइस हम लोग इसके में ना दाना ऊपर ही डाल देते हैं, मुर्गी वैसे नीचे आके खाती नहीं है, तो ऊपर ही दाना डाल देंगे। पहले सबकी कटोरी वहाँ ऊपर डाल दो, इसकी कटोरी है पानी का है, अबे वहाँ पहुंची भी है। देखो कितना दाना गाइस ऊपर डाल लें,
इधर खा रहे, थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो। गाइस ये देखिए यार हमारी मुर्गी के इसने कितने बार उखाड़े हैं इसने। ऊपर जाके अब ये भी खाने दाना खाएगा, थोड़ा और डाल दो, डाल दो डाल दो, कुछ नहीं करेगा। अभी आराम से दाना खाते रहेंगे। इनकी कटोरी में जाके आराम से निकाल लेता हूँ। तो मैंने इनकी कटोरी निकाल ली है, लो अब चूजों को डालना है। अंदर मिट्टी है तो वो लोग इसके अंदर डाल देते हैं, उसकी वजह से इतनी गंदी हो जाती है। यार देखिए कैसे अच्छे लग रहे हैं खाना खाते हुए। वो लोग भी खा रहे हैं गाइस, मजे से मुर्गी भी खा रही है दाना, देखें आप। यार पहले ये खाती नहीं थी, तो अब चूजों को भी जल्दी से दाने डाल देते हैं। दाना तो लेकर आती चीले आती हैं। आए आए गंदा पानी पी रहे हैं। आओ देखो गाय इनको ऐसे पहचान है, अंदर डाल दो। गाय 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 गाय, ये सही यार इनको उल्लू बनाने का तरीका। और डालो थोड़ा और डालो। यार हमारे टेंगू माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो रहा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए टेंगल का ताज भी तकरीबन उग चुका है बहुत सारा। एक कटोरी निकालो, दूसरी छोड़ दो, अभी दाना खाएंगे। जल्दी से पानी भरो, दुकान में लगाऊ। चलो सारी कटोरी बाहर आ चुकी है। अभी एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच, पांचवी कौन सी है? हाँ गाइस याद आया मुझे, जल्दी से डाल दो। तो गाइस हम लोग सबको पानी डाल लेते हैं। हाँ तुम पानी डालो, मैं ज्यादा छिड़काव कर देता हूँ सब परिंदों को। पाइप नहीं खोलने की जरूरत, पानी बहुत वेस्ट होता है। पानी खोल दिया, अच्छा खोलता हूँ। रुको गाइस मैं पाइप खोलने के बाद। उम्मीद है आपको हमारा आज वाला पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज वाला पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार इनको दाना वगैरह मैंने डाल दिया है, पानी भी डाला हुआ है।